रायपुर के जवाहर कला केंद्र में समर्थ फाउंडेशन को एक असाधारण कलाकार, क्रांतिकारी और दार्शनिक युवा समर्थ सिंह सिद्धू के क्रांतिकारी और कला समर्पित जीवन और विरासत का जश्न मनाने वाली वार्षिक फोटो प्रदर्शनी लगाई गई। यह प्रदर्शनी 24 से 26 अक्टूबर 2024 तक सुकृति आर्ट गैलरी जवाहर कला केंद्र में लगी। इस साल की प्रदर्शनी में समर्थ की कलात्मक यात्रा के सार और समुदाय पर उनके गहरे प्रभाव को दर्शाने वाली तस्वीरों का एक क्यूरेटेड चयन प्रदर्शित किया गया है। उनके परिवार, दोस्त और जयपुर की प्रमुख हस्तियां उनकी स्मृति का सम्मान करने और कला की दुनिया में उनके योगदान का जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए। 3 दिन की प्रदर्शनी के बाद समापन किया गया, जिसमें समर्थ के माता पिता उपस्थित थे। उन्होंने उपस्थित लोगों द्वारा दिखाए गए और जबरदस्त समर्थन और प्यार के लिए आभार जताया। हार्दिक भाव से उन्होंने छोटे बच्चों के साथ केक काटा, जो समर्थ द्वारा उनके जीवन में लाई गई खुशी और प्रेरणा का प्रतीक है। वहीं अरविंद योद्धा द्वारा लाइव समर्थ सिंह सिद्धू की पेंटिंग तैयार की गई। हर साल की तरह इस साल भी समर्थ सिंह सिद्धू जी के जन्मदिवस पर 3 दिन की ये एग्जीबिशन समर्थ फाउंडेशन ने लगाई है, जिनमें उनकी तस्वीरें, जो उन्होंने अपने जीवन काल में जितने भी आंदोलनों में भागीदारी निभाई और जितने भी उन्होंने फोटोग्राफी किया एज अ विजुअल आर्टिस्ट, उनका काम बहुत वाइड है। इसमें स्ट्रीट फोटोग्राफी से लेकर नेचर तक के बहुत सारे एलिमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं, जिनको लेकर हमने अलग अलग थीम पर वॉल भी बनाई है। एक वॉल जो है वो बच्चों को लेकर है, एक वॉल है वो हेरिटेज को लेकर है। उनकी लाइफ में उन्होंने जेंडर पे बहुत काम किया, तो जो महिलाएं उनकी लाइफ में थी उनके पोर्ट्रेट्स हैं। तो इस तरीके से हमने अलग अलग थीम्स से लोगों को बताने की कोशिश की कि उनका जीवन कैसा रहा, उनकी दिनचर्या क्या रही है, उनके लाइफ में क्या क्या एलिमेंट्स थे जिन्होंने उन्हें इंस्पायर किया एज अ एक्टिविस्ट, एज अ लीडर या फिर एज एन आर्टिस्ट। इस इन 3 दिनों के दौरान बहुत सारे लोग आए, हर एज ग्रुप के लोग आए। स्कूल के बच्चों ने सीखा फोटोग्राफी के बेसिक एलिमेंट्स उनकी फ़ोटोज़ के एग्जांपल से, वहीं जो वरिष्ठ लोग थे उन्होंने उसे अप्रिशिएट किया, और उन्होंने जो उनके साथी लोग थे उनमें से उन्होंने याद किया अपने पुराने दिन, क्योंकि जिनके उसमें पोर्ट्रेट्स हैं, जिनके मोमेंट्स कैप्चर्ड हैं, उन्हें बहुत वो भावुक हुए। कई लोगों के यहाँ कई लोग रो भी पड़े, क्योंकि जब वो जीवित थे तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को पुश किया था, बहुत सारे लोगों को साथ दिया था उनका, JKK में उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया था। तो उसकी वजह से जो उनके नून थे उनका तो रिस्पांस था ही, और जो ऑडियंस है यहाँ पे JKK की, जो नए लोग यहाँ पर आए उन्होंने बहुत उसको अप्रिशिएट किया काम को। मेरा नाम विहान है।